हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूँ सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। चलिए तो आज हम देखेंगे क्लास 9th की जो है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैटर सराउंडिंग अस, हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम लोग बच्चा इसमें जो है 5 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें हम लोग काफ़ी कुछ देख चुके हैं। तो जिन्होंने ना देखा हो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए। जैसे ही आप चैनल को ओपन करते हैं तो जहाँ पे मेरा जो है 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस और मेरा जो है इमेज लगा है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको फिर जो है सारी चीज़ें दिखने लगेंगी। तो उसमें एक प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे लिखा मिलेगा क्लास 9th केमिस्ट्री। तो क्योंकि साइंस की बुक में क्लास 9th वाले में केमिस्ट्री पहले है, फिर बायोलॉजी है और लास्ट में क्या फिजिक्स है, तो मतलब बेटा तीन के तीनों क्या है, एक ही में है। तो हम लोग जो है अलग अलग करके पढ़ेंगे, पहले केमिस्ट्री फिर बायोलॉजी फिर क्या है फिजिक्स, जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ना है, किसी भी एनसीईआरटी बेस्ड बुक को नहीं पढ़ना है। बेस्ड से पढ़ने से अच्छा है कि हम एनसीईआरटी को ही पढ़ लें। जो चीज़ एनसीईआरटी पर आधारित है उसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप सीधे एनसीईआरटी ही पढ़िए। क्योंकि दुनिया के सारे एग्ज़ाम में, वो चाहे आपका 9th, 10th, 11th, 12th नीट का हो, जेई का हो, यूपीएससी का हो, मतलब आप आईएएस पीसीएस बनना चाहते हो, आप इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हो, एनडीए में जाना चाहते हो, बेटा सबका सिलेबस एनसीईआरटी ही है। बाकी किताबें क्या ख़राब हैं? ख़राब नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा ही लिख दिए हैं अपने से, बना करके बहुत ज़्यादा उसमें कर दिए हैं, तो आपको वो लेंदी लगेगा, ज़्यादा लगेगा। बेटा ज़्यादा पढ़ने की कोई भी बड़ाई वाली बात नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, आप वो पढ़िए जो आपके सिलेबस में है, जो आपको दिया गया है। क्योंकि पढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ है, मैथ भी है, साइंस भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, जियोग्राफी भी है, सोशियोलॉजी भी है, मतलब बहुत कुछ पढ़ना है बेटा अभी। तो बेफालतू का एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो भी होता है अपने एनसीईआरटी के डायरेक्शन में ही जाना चाहिए। अगर हम किसी एक डायरेक्शन में एक जगह फोकस करते हैं तो वो हमारे लिए सही होता है, और हम अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से करते रहेंगे तो हमारे लिए दिक्कत होगी, सिर्फ कंफ्यूजन होगा। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़िए। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे अपना 6वां लेक्चर, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी में हमने क्या क्या सीखा है। तो बेटा आज हम देखेंगे क्या होता है वाष्पीकरण, किसे कहते हैं वाष्पीकरण। तो बाकी सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, क्या होता है गलनांक, क्या होता है क्वथनांक, किसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, किसे कहते हैं पिघलना, किसे कहते हैं जमना। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास हो चुकी हैं, तो हम इसको देखेंगे। उसको देखने के बाद अब हम देखेंगे कि वाष्पीकरण, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं ना, और उसके बाद फिर ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, अगर एक बार में नहीं देख पाते हैं तो थोड़ा थोड़ा करके देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर देखिए। अभी तक मैं हाथ से लिख रहा था, शुरुआत में वीडियो बनाता था फिर हाथ से लिखने लगा ना, तो अब इस समय फिर टाइम है, गर्मियों का मौसम है, स्कूल की छुट्टी चल रही है, मैं भी थोड़ा सा टाइम पा जाता हूँ, अब भी टाइम मिलता है, तो बेटा आप अपने मोबाइल में ही देख के पढ़ लीजिए जब भी खाली पाइए। तो चलिए देखते हैं वाष्पीकरण, और वीडियो को दोस्तों से शेयर ज़रूर करिए, उनसे भी कहिए कि सब्सक्राइब करें, क्योंकि 100% बेटा एनसीईआरटी रहती है, एनसीईआरटी के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि जितना एनसीईआरटी में है वही आपके लिए पर्याप्त है। दुनिया की सबसे अच्छी किताब एनसीईआरटी ही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। तो आइए देखते हैं क्या होता है वाष्पीकरण, किसे हम वाष्पीकरण कहेंगे, क्या होता है वाष्पीकरण। तो आपको पता है कि जब हम बोले थे कि क्या होता है क्वथनांक, तो क्वथनांक क्या होता है उसी से आधार पे ये वाष्पीकरण है। क्वथनांक को हम लोग देखे थे कि वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब क्या होता है बेटा, वायुमंडल के द्वारा जो दाब हम पर लगाया जाता है, प्रत्येक जीव पर, प्रत्येक जंतु पर, प्रत्येक वस्तु पर, ये जो हमारा वायुमंडल है ये हमारे ऊपर दाब भी लगाता है, तो उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, एक वायुमंडलीय दाब। तो बोले थे कि वायुमंडलीय दाब पर वह ताप
जिस पर क्या है द्रव उबलने लगता है। अगर इसी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें बड़ी कक्षाओं के लिए, तो वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर क्या है द्रव प्रवस्था का वाष्प दाब क्या है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है और उस पर क्या है पानी उबलने लगता है, तो बेटा उसे क्वथनांक कहते हैं। अब वाष्पीकरण, अब जब क्वथनांक हमारे पास हुआ, पानी उबलता है तो वाष्प के रूप में उड़ने लगता है। तो आपने ये भी देखा होगा कि बिना पानी उबले भी वाष्प के रूप में बदलता है। हमारे पास बेटा यहाँ पे देखिए, मैं कह रहा हूँ कि एक तालाब है, अब उस तालाब में क्या है बेटा पानी भरा है, या आप कड़ाही समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, और आप देखते हैं कि पानी इसका उड़ जाता है धीरे धीरे। गर्मियों में तो और देख रहे हैं कि पानी उसका उड़ता रहता है भाप के रूप में। कैसे जानते हैं उड़ रहा है? क्योंकि बेटा पानी कम हो जाता है। यहाँ पे हम कुछ कटोरे में पानी लिए हैं, बीकर में पानी लिए हैं, यहाँ पे देखो पानी रखा है, और ये पानी क्या है धीरे धीरे आप देखेंगे तो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कम हो के गया कहाँ? क्या गायब हो गया? नहीं, गायब नहीं हुआ, वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो गया। तो आप कहेंगे कि सर जी, अभी तो आप कह रहे थे कि जब क्या हो उबलने लगे, क्वथनांक, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो क्या तभी वाष्प में बदलता है? नहीं बेटा, 100 से कम में भी पानी क्या है वाष्प में बदलता है। क्योंकि ये यहाँ सूर्य की रोशनी पड़ी, यहाँ पे हमारे पास जब आई एनर्जी मिली सूर्य की रोशनी से, क्या मिलेगा बच्चा? एनर्जी मिलेगी। इन कणों को, पानी के इन अणुओं को अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। जब अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो ये वाला क्या है अत्यधिक ऊर्जा होने के कारण क्या है अपने साथ वाले अणुओं को छोड़ करके उड़ जाते हैं, मतलब वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। तो अब हम समझ गए, जैसे हमारे पास कपड़े में से देखो क्या होता है, क्या कपड़े का 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है? नहीं। अगर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? कपड़ा ही जल जाएगा। अगर तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो हम ही लोग मर जाएंगे, क्योंकि हमारी शरीर 50 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं सह सकती, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे भी आइए हम लोग देखते हैं कि जैसे हमारा क्या है कपड़ा सूखता है बेटा, ना? जब हम कपड़ा सुखाते हैं, हम अपना धान गेहूँ अनाज सुखाते हैं, क्या है अनाज सुखाते हैं तालाब से, बर्तन से, जो भी बर्तन में पानी रखा है बर्तन से, पानी क्या हो जाता है कम हो जाता है, पानी उड़ जाता है, तभी तो वो कम हो जाता है। हम लोगों के पास देखो क्या है, गांव में तालाब है, गढ़ही है, गड्ढा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गांव में है, शहरों में भी है, जो पॉन्ड्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, उसका पानी कम हो जाता है। छत पे आप पानी रख दीजिए, कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें धूप लगती है और वो पानी क्या है वाष्प के रूप में उड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या उस समय तापमान 100 डिग्री सेल्सियस था? नहीं बेटा, 100 नहीं था, तो 100 से कम पर भी क्या है द्रव वाष्प के रूप में उड़ता है, तो उसी को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो आइए अब हम इसकी डिफिनीशन लिख लेते हैं, तो अच्छे से जिनको नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे, जिनको नहीं नोट करना होगा बेटा वो वीडियोस देखें और क्या है एनसीईआरटी अपने पढ़ें। तो एनसीईआरटी में बहुत चीज़ें अच्छे से दी गई हैं, तो हम लोग इसको लिखते हैं वाष्पीकरण। आखिर वाष्पीकरण क्या होता है? अब आप वाष्पीकरण समझ गए हैं कि जो हमारा पानी वाष्प रूप में होता है, इंग्लिश में बेटा इसे कहते हैं इवापोरेशन। क्वथनांक पर भी, बॉइलिंग पॉइंट पर भी पानी वाष्प के रूप में उड़ता है, लेकिन उस समय 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और वाष्पीकरण में भी पानी क्या है द्रव क्या है जल ना वाष्प के रूप में उड़ता है, लेकिन तापमान उसका 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रहता है। तो यही बेटा हम कहेंगे, आइए यहीं से देखते हैं कि क्वथनांक से कम ताप पर वायुमंडलीय दाब, थोड़ा आपको लिखना है वायुमंडलीय, क्योंकि हमारे पास जितना भी काम हो रहा है सब वायुमंडलीय दाब पर ही हो रहा है, वायुमंडलीय दाब पर
क्वथनांक से कम ताप पर। क्वथनांक, क्वथनांक की इंग्लिश क्या होती बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ना। क्वथनांक से कम ताप पर, ताप पर द्रव जब वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है या परिवर्तित होकर उड़ जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ये जाता है बेटा, हो जाता है, तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। आप ये याद रखिएगा, ये लाइन बहुत ज़रूरी है कि क्वथनांक से कम ताप पर द्रव जब वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और देखेंगे कि वाष्पीकरण के कारण ही क्या है, हमारे कपड़े सूखते हैं ना, वाष्पीकरण के कारण ही हमारे पास जल कम हो जाता है तालाब में। वाष्पीकरण के कारण ही हमारे कपड़े, अनाज ना, जो चीज़ हम अपना सुखाते हैं, हमारा पसीना आदि सूखता। देखिए थोड़ा पाई मंत्र पर ध्यान दीजिएगा कि सूखता है। और क्या कहेंगे बेटा? वाष्पीकरण के कारण ही तालाब, कुआं इत्यादि से पानी कम हो जाता है। तो बच्चा वाष्पीकरण बहुत काम का चीज़ है ना। वाष्पीकरण से ही हम देखेंगे कि जो समुद्र है, नदियाँ हैं, उनका जल क्या है, वाष्प रूप मुड़ता है और बादल बनते हैं। वाष्पीकरण के कारण ही नदी, झील, समुद्र इत्यादि से जल उड़कर वायुमंडल में जाते हैं, और बादलों का निर्माण करते हैं। तो आइए बच्चा देखते हैं कि अगर वाष्पीकरण ना होता, बहुत सारी चीज़ें हैं वाष्पीकरण में, अगर वाष्पीकरण ना होता तो क्या होता? हमारा जो पसीना हमको होता है वो क्या होता, ऐसे ही हमारे शरीर में चिपका रहता, उड़ता ना ना, हम लोग हमेशा पसीने में डूबे रहते, हमारा कपड़ा कभी ना सूखता, हमेशा गीला ही रहता। तो याद रखिएगा, हमारे कपड़े, हमारा अनाज जो हम लोग धो के अनाज डालते हैं,
या जो नया नया अनाज काटते हैं उसमें से क्या है, जल अगर ना उड़ता तो वो जल्दी ख़राब हो जाता, जल्दी सड़ जाता। तो हमारा कपड़ा, हमारा अनाज, हमारा पसीना, ये सब क्या है, वाष्पीकरण की वजह से ही उड़ते हैं। तो हमारे पास सीधे के सीधे यहाँ से पूरा का पूरा देखो पसीना उड़ जाता है। फैन चलाने पर भी क्या है, वाष्पीकरण बढ़ जाता है। तो अभी देखेंगे क्या होते हैं कारक वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले। वाष्पीकरण के कारण ही तालाब का पानी, कुएं का पानी, गड्ढे का पानी, जो भी आप समझिए, वो क्या होता है, या से पानी कम हो जाता है। तो पानी कहाँ गया, वो पानी बेटा वाष्पीकरण के रूप में उड़ जाता है। याद रखिएगा, हम आते हैं कि वाष्पीकरण के कारण ही नदी ना, हमारे पास झील, समुद्र इत्यादि से जल उड़कर कहाँ पे चला जाता है, वायुमंडल में जाते हैं और बादलों का निर्माण करते हैं। तो बेटा ये बादल बनते कैसे, इसी समुद्र से, नदी से, झरनों से, झीलों से ये क्या है, पानी वाष्पीकृत होकर के वायुमंडल में जाके इकट्ठा हो जाता है। आखिर बादल है क्या, बादल वही है कि वायु में हमारे पास क्या भर जाता है बेटा, पानी, किस रूप में, वाष्प के रूप में। हम लोग देखे थे कि पानी अपनी तीनों अवस्थाओं में रहता है, जल अगर वो बर्फ के रूप में है तो उसकी ठोस अवस्था हुई, अगर वो बेटा खुद द्रव के रूप में है तो जल है ही पानी, अगर वो गैस की अवस्था में है तो वाष्प के रूप में है, तो उस एयर में क्या है, पानी भर जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं बताइए, उसको कहते हैं कि ये बादल का निर्माण हो गया है। तो ये जब हम वाष्पीकरण देख लिए, सारी चीज़ें किससे थी, वाष्पीकरण से ही संबंधित थे, क्वथनांक से कम ताप पर न वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो उसे वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण का बेटा ताप निश्चित नहीं होता, क्वथनांक से कम ताप पे होता है। अपने यहाँ का ताप कितना होता, बहुत गर्मी पड़ी तो 42, 43, 44 या 45 डिग्री सेल्सियस, तो उतने पे ही क्या होता है, वो पानी वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आइए अब देखते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, जिनको नोट करना होगा वो नोट कर लेंगे, हम हट गए हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद फिर लिख सकते हैं और एनसीईआरटी पढ़िए। तो आइए देखते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं, या इसी को कहते हैं बेटा वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, कि वाष्पीकरण कितना जल्दी होगा, वाष्पीकरण कितना ज़्यादा होगा या कितना कम होगा, वाष्पीकरण किस दर से होगा, तो उसको हम कहते हैं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो हेडिंग पहले से लिखी है, हम और लिख देते हैं, वाष्पीकरण लिखा है को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चा इंग्लिश में भी इसको लिखिएगा, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन या फैक्टर अफेक्टिंग द इवापोरेशन। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो बच्चा ये देखते हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने के वाले मुख्य चार कारक हमारे पास हैं, जो आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। तो हम लिखेंगे कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले मुख्य चार कारक हैं, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले मुख्य चार कारक निम्नलिखित हैं,
पहला बच्चा हम देखेंगे क्या है, ताप। पहले चारों का नाम लिख लेंगे। दूसरा हमारे पास है ताप के बाद हम देखेंगे कौन सा बेटा, वायु वेग। वायु वेग। तीसरा हम देखेंगे सतह क्षेत्रफल। सतह क्षेत्रफल। और चौथा हम लोग देखेंगे बेटा आर्द्रता। ये हमारे पास क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले चार कारक हैं। पहला है ताप, दूसरा है वायु वेग, तीसरा है सतह क्षेत्रफल ना, और चौथा क्या है, आर्द्रता। तो बेटा हम लोग जो है इन सब का डिटेल्स क्या है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ी ना हो और आप लोगों को जो है पढ़ने में भी सुविधा हो, क्योंकि इसमें और हमको डिटेल से आपको बताना है। तो जिन्होंने पढ़ा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हमारी वीडियोज़ को देखेंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। अभी तक जिन्होंने ना सब्सक्राइब किया हो वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम यहाँ पे देख चुके हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले चार कारक हैं, ताप, वायु वेग, सतह क्षेत्रफल और क्या है, आर्द्रता। तो इन्हीं चारों को हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक जो है आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, गर्मी का मौसम है। हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, और अच्छे से आप पढ़ाई करते रहिए।